सो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने Redmi Note 7 Pro में या किसी भी Redmi के डिवाइसेस में, चाहे आप स्टेबल वर्जन में हो या बीटा वर्जन में हो, कोई भी वर्जन में हो, आप किस तरीके से यहाँ पे ये चार्जिंग एनिमेशन ला सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस पर पहले भी मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, इससे पहले कि आप कमेंट करो कि वो ख़राब हो जाता है, तो नहीं यार, इस बार मैं आपके लिए परफेक्ट वर्किंग लेके आया हूँ। जो आप चाहे जितना टाइम चलाओ आपके लिए वो वर्क करता रहेगा और आपका थीम डिसेबल नहीं होगा। तो अभी तक आप समझ ही गए होगे मैं थीम की बात करने वाला हूँ। तो उससे पहले यार मैं कहूँगा, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, रेड वाला बटन दबा के, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी थीम के बारे में जो कि आपको थीम स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगी, ये कोई थर्ड पार्टी थीम नहीं है। मैंने इस पर एक बार वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको थर्ड पार्टी थीम के बारे में बताया था और लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी कि वो थर्ड पार्टी थीम बार बार हट जा रही थी कुछ सेकंड बाद। लेकिन यहाँ पे ये फाइनली एक ऐसी थीम है जो कि आपको प्ले स्टोर में मिलती है, कोई भी थर्ड पार्टी थीम नहीं है और आपकी ये थीम हटती भी नहीं है लगाने के बाद। तो यहाँ पे देखना है आपको, सबसे पहले थीम स्टोर में जाना है और थीम स्टोर में जाने के बाद सर्च में जाना है और सर्च में आपको टाइप करना है पाई प्रो V10। इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइप करना है और सबसे ऊपर ही आपको ये पाई प्रो V10 की थीम देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर ही आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको ये चार्ज सपोर्ट करता है, वो जो आपको एनिमेशन मैंने अभी आपको दिखाया। और इस तरीके की काफ़ी अच्छी थीम यहाँ आपको देखने को मिलती है, गूगल का लुक यहाँ पे मोस्टली देखने को मिलता है इसके अंदर, जो कि काफ़ी परफेक्टली आपके फ़ोन में वर्क करता है। तो चाहे आप कोई भी डिवाइस में हो आपको यहाँ पे ये वर्क करता हुआ मिल जाएगा। मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके की थीम यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये ऑफिशियल थीम है तो आपका यहाँ पे फ़ोन में रीस्टार्ट भी नहीं होगी बिना किसी प्रॉब्लम के। आप इसको कोई भी वर्जन में, चाहे स्टेबल में हो, बीटा में हो, आप इसको चला पाएंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो थीम मैंने अप्लाई कर दिया है, इस तरीके की कुछ थीम आपको ये देखने को मिलती है। काफ़ी एग्रेसिव टाइप की थीम है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे लुक भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। मिनिमलिस्टिक टाइप आपको ये थीम देखने को मिल जाएगी, इस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। लॉक स्क्रीन में चले तो लॉक स्क्रीन आप देख पाओगे, इस तरीके का सिंगल क्लॉक वाला ही आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं अभी आपको यहाँ पर इसको चार्ज में लगा के दिखाता हूँ तो देख सकते हो अभी आपको ये नहीं दिखाएगा, लेकिन ऊपर चार्जिंग शुरू हो गई है। और आपको यहाँ पे लॉक लगा के इसको जब चार्ज में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये चार्जिंग आपको शो करने लगा है ऑफिशियल। तो यहाँ पे यार ये ऑफिशियल थीम आपको देखने को मिलती है जो कि परफेक्टली वर्क कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे आप टैप करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि छोटे छोटे बबल टाइप के भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये एक ही बार आती है, अब फिर दोबारा जब कनेक्ट करोगे तब आपको ये वाली थीम फिर से देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मेरे पास अभी बीटा रोम में हो तो मुझे ये दूसरी वाली भी देखने को अभी आपके सामने मिल गई, जो कि दूसरी थी और यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल रही थी। तो इस तरीके से आप अपने स्टेबल वर्जन में, बीटा वर्जन में, किसी भी वर्जन में हो, आप इसको यूज़ कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के और आपका फ़ोन भी सेफ रहेगा या फ़ोन में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है आपके, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दो दोस्तों के साथ। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।